सक्सेस फॉर यू ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं पवन प्राशर अपने इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में लर्न करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र आपके सामने हमेशा दिखाई देते हैं जिसमें कंप्यूटर का बहुत तेजी से प्रयोग हो रहा है। इनका उपयोग निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए किया जा रहा है, तो इस चित्र के माध्यम से आप जानें कि बहुत जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। स्पेसिफिक यहाँ पे दर्शाया गया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं लर्न करने के लिए, और पूरी डिटेल जानने के लिए पूरी वीडियो को आप देखें जिसमें हमने सभी यूजेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले एप्लीकेशंस के अंदर कम्युनिकेशन, यानी कि संचार, संचार करने के लिए यानी कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जैसे ईमेल, चैट, इंटरनेट आदि यूज़ करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, यानी कि जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं वो सभी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, ताकि कम समय में वो बड़ी से बड़ी जो रिसर्च है उसको हल कर सके। स्पेस, अंतरिक्ष में इसका उपयोग, अंतरिक्ष में स्पेस सैटेलाइट्स, जहाज़ों, रडारों, टीवी सैटेलाइट आदि को निर्देशों के द्वारा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर से सभी अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट्स हैं, रडार्स हैं, टीवी सैटेलाइट्स हैं, सभी को नियंत्रित किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। डिफेंस में कंप्यूटर का काफ़ी बड़ा योगदान है। इसका उपयोग सेना के युद्ध जहाज़ों, रडारों, मिसाइलों, टैंकों आदि को निर्देशों के द्वारा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बिजनेस के अंदर कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। इसका उपयोग व्यवसाय में स्टॉक परचेज और सेल आदि के हिसाब किताब को रखने के लिए किया जा रहा है। रेलवे के अंदर आप टिकट लेते हैं, टिकट कंप्यूटराइज होती हैं, सीट आरक्षित करते हैं आप, वो भी हमारे कंप्यूटर के द्वारा ही मतलब रिजर्व किया जाता है आपकी सीट को रेलवे के अंदर। एयरलाइंस के अंदर, यानी कि आप हवाई यात्रा करते हैं, देश विदेश में यात्रा करते हैं, इसका उपयोग हवाई जहाज़ में यात्रा करने के लिए टिकट बनाने में किया जा रहा है। बुकिंग जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा की जाती है। इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग जगत के अंदर इसका उपयोग कंपनियों के अंदर पे स्लिप, इनवाइस, रिसिप्ट आदि अन्य कार्य करने में किया जा रहा है। बैंक में कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। इसका उपयोग बैंक में खातों को खोलना, खातों के हिसाब किताब को रखने के लिए किया जा रहा है। एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर, यानी कि आज आप देखते हैं CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती हैं। इसका उपयोग शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को रोचक एवं उपयोगी बनाने के लिए बहुत तेज़ी से हो रहा है। यानी कि आपकी एजुकेशन भी आजकल ऑनलाइन हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्य, ऑफिस में कर्मचारियों से संबंधित सूचनाओं को कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उस सूचनाओं का उपयोग कर लिया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स रखना, स्कूल टीचर्स रिकॉर्ड रखना, सैलरी रिकॉर्ड्स रखना, पुलिस डिपार्टमेंट में अपराधियों के रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखना, ये सभी कार्य कंप्यूटर पर अच्छे तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं और किए जाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, यातायात का प्रबंधन, ये भी कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। इसका उपयोग सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल आदि पर नियंत्रण रखने में किया जा रहा है।
इंटरटेनमेंट के अंदर यानी कि मनोरंजन का जो साधन है वो भी बहुत बढ़िया साधन है कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग वीडियो गेम्स, संगीत इत्यादि को देखने व बनाने के लिए भी किया जा रहा है। फिल्म में कंप्यूटर का प्रयोग विशेष प्रभाव करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्टून और एनिमेशन कंप्यूटर पर ही बनाई जाती हैं, यानी कि स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन के लिए। पब्लिशिंग यानी कि प्रिंटिंग, इसका उपयोग अखबारों व किताबों को छापने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इससे इन कार्यों को करने की गति अच्छी हो गई है, पब्लिशिंग जल्दी हो जाती है। हेल्थ स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सोनोग्राफी इत्यादि कार्यों में प्रयोग में ली जाने वाली मशीन कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष यानी कि ज्योतिष का कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से अधिक किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर हैं इस चीज़ के लिए, जैसे कुंडली सॉफ्टवेयर है, तो उनको प्रयोग करके आप ज्योतिष जो जन्म कुंडली बनाते हैं आप भी घर बैठे बना सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके अन्य टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पीडीएफ फाइल भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9050754746। आप सक्सेस फॉर यू ग्रुप को ज्वाइन करें और सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जो पहले की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं, कोई भी वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, तो सक्सेस फॉर यू ग्रुप को आप ज्वाइन करें, हेलो करें और ज्वाइन करने के बाद आपको वो पीडीएफ भेज दी जाएगी और आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस फॉर ज्वाइनिंग सक्सेस फॉर यू ग्रुप।